हाँ, जब गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम लेते हैं तो सबसे पहले चीज दिमाग में क्या आती है, मैं अपना बताता हूँ मेरे दिमाग के अंदर कौन कौन से वर्ड सबसे पहले क्लिक होते हैं। हिस्टोरिकल ड्रामा, बहुत ही ब्रूटल वॉर, ढेर सारा सेक्स, बहुत सारा खून खान, बहुत सॉलिड स्टोरी और सबसे ज्यादा जरूरी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। और इन्हीं वजह से भाई गेम ऑफ थ्रोन्स मेरा आज तक का मोस्ट फेवरेट शो है। उससे पहले भी बहुत सारे शो देखे थे, उसके बाद भी बहुत सारे शो देखे, लेकिन भाई उसका सुरूर अभी तक नहीं गया है। लेकिन भाई अच्छी बात यह है कि अक्सर ऐसे शोज बनते रहते हैं जो कि उसी थीम को फॉलो करते हैं ब्रॉडली और हमको उसी तरीके का एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सात ऐसे ही शोज बताने वाला हूँ जो आपको जरूर देखना चाहिए। जबरदस्त शोज है, जबरदस्त ड्रामा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है। तो अब ज्यादा बात नहीं करते, इंट्रो के अंदर चलिए लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली सीरीज का नाम है बारबेरियन। इस सीरीज का पहला सीजन 2020 के अंदर आया था। इस सीरीज की कहानी दिखाई एक आर्मेनियस नाम के बंदे के अराउंड, जो कि एक रोम का काफी तगड़ा वॉरियर होता है। लेकिन भाई रोम ने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया होता है जिसको उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो वो बारबेरियन जो लोग होते हैं उनके साथ पार्टनर अप करता है रोम से अपना बदला लेने के लिए। फिर बारबेरियन और वो आर्मेनियस एक संग मिलकर जंग छेड़ देते हैं रोम के खिलाफ। अभी वॉर कैसे कैसे आगे बढ़ती है, इसका नतीजा क्या निकल के आता है, इसको जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। लेकिन बता दूं शो के अंदर बहुत सारा खून खान देखने को मिलेगा, बहुत ही अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आया तो भाई काफी ज्यादा चांसेस वाला शो भी जरूर पसंद आएगा। तो अगर आप ये देखना कंसीडर करने वाले तो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और इस शो का नाम है ब्लैक सेल्स। ये वाला शो 2014 के अंदर आया था। और भाई शो को थोड़ा ऐसा समझो कि अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज देखी है तो ये वाला शो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। लेकिन अगर आप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के पायरेट्स को देखोगे तो कुछ हद तक बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। वो इस तरीके से उनको डिजाइन करा गया है, इस तरीके से उनके ऊपर कलर इस्तेमाल करे जाते हैं कि बच्चों को फ्रेंडली रहे। उन मूवीज के अंदर ज्यादा ब्रूटेलिटी भी नहीं दिखा सकते क्योंकि डिज्नी का माल है। लेकिन भाई अगर आपको हकीकत में देखना पायरेट्स कैसे हुआ करते थे, कैसे कैसे ट्रेजर हंट करा करते थे, कैसे उनके एडवेंचर हुआ करते थे, कैसे आपस में खुद से लड़ाई करा करते थे, ये वाला शो एकदम परफेक्टली दिखाता है आपको। तो इस शो की कहानी फॉलो करती है कैप्टन फ्लिंट के एडवेंचर्स को, जो कि अलग अलग जगह पर जाता है अलग अलग वजह से, और उसके पूरे सफर के दौरान कैसे कैसे मुसीबतों को सामना करना पड़ता है ये पूरा शो के अंदर दिखाया जाता है। लेकिन शिप के अंदर कैसे पॉलिटिकल ड्रामा होता है वो सब इस शो के अंदर दिखाया है। डेफिनेटली एक बार जरूर देखना। तो अगर आप ये देखना कंसीडर करने वाले तो ये आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और इस शो का नाम भाई आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो है अपने आप में। इस शो का नाम है द लास्ट किंगडम। ये वाला शो 2015 के अंदर आया था। भाई अपने आप में इतना ज्यादा पॉपुलर शो है ये, इसके सिनेमाटोग्राफी आपने बहुत सारे मूवीज बहुत सारे शोज के अंदर ऑलरेडी देखी होगी। इसकी कहानी फॉलो करती है उटरेड नाम के बंदे को, जो कि पैदा था सेक्सन कम्युनिटी के अंदर हुआ था, उसकी फैमिली पूरी सेक्सन होती है। लेकिन फिर कुछ वाइकिंग्स होते हैं जो कि उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको पालते पूलते हैं, बड़ा करते हैं। फिर जब उटरेड बड़ा हो जाता है तो सेक्सन जो उसकी गद्दी होती है उसको हथियाने की कोशिश करता है कि उसके पास उसका हक है, वो मेरी होनी चाहिए। अब उसका ये सफर कैसा रहता है, कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों से लड़ना पड़ता है, क्यों लड़ना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आप शो देखो। जबरदस्त मजा है शो के अंदर, जबरदस्त एडवेंचर है, भर भर के एक्शन है, और क्या चाहिए भाई गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस को। तो ये वाला शो देखना जरूर कंसीडर करना। अच्छी बात यह कि शो ढूंढने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा इंग्लिश में। हम आगे बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और इस शो का नाम है इनटू द बैडलैंड्स। और ये वाला शो 2015 के अंदर आया था। इस शो की कहानी बहुत फ्यूचर के अंदर सेटल होती है। इस शो के अंदर दुनिया के अंदर बहुत ही बड़ी जंग हुई है, जिसके दौरान दुनिया आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है, और जितने बच्चे लोग हैं सात किंगडम के अंदर बट गए हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम जो होता है उसी किंगडम का एक वॉरियर होता है जिसका नाम होता है सनी। अब सनी की मुलाकात होती है कैसे लड़के से जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स है, और उस बच्चे को और भी लोग ढूंढ रहे हैं जो कि उसके मालिक को मारना चाहते हैं, सनी के मालिक को बेसिकली। तो भाई ये लड़का कौन है, इसके पास क्या मैजिकल पावर्स है, और जो उस लड़के को मारना चाह रहे हैं वो लोग उसको क्यों मारना चाह रहे हैं, और क्या सनी उस लड़के को बचा पाएगा उन लोगों से जो उसको मारना चाहते हैं या फिर नहीं, तो ये आपको जानना। तो भाई ये शो देखो, ये शो पहले प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाया करता था, लेकिन आज की डेट में जब मैंने चेक करा तो उस पर है नहीं। तो आप उसको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करके देख सकते हो, हिंदी में मिल जाएगा। तो देखना जरूर, मस्त शो है, एक बार डेफिनेटली मस्ट वॉच है। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और इस नंबर पे भाई मैंने दो शो रखे हैं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम से हैं। पहला है वाइकिंग्स, जो कि 2000 से 2020 तक आया था, 2020 में खत्म हो गया। उसके बाद वाइकिंग्स वल्हाला आया जो कि 2022 में आया और अभी तक चल ही रहा है। शुरुआती कुछ सीजन के अंदर रेगनर की कहानी दिखाई जाती है, किस तरीके से वो एक फार्मर से एक ऐसा बंदा बना जिसने इंग्लैंड पर कब्जा करा, इंग्लैंड में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, वहां से चोरी करके सामान लेके आया नॉर्वे के अंदर, और वाइकिंग्स कम्युनिटी के अंदर उसने अपना नाम कमाया। और उसके आगे के कुछ सीजन के अंदर उसके बेटों की कहानी दिखाई, किस तरीके से वो सब ग्रो हुए, आपको जानना तो शो देखो भाई, कमाल का शो है। बहुत सारे वॉर्स हैं इस मूवी के अंदर, कुछ एडल्ट सीन है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे ज्यादा पास जो आता है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरफ से, तो ये वाला शो ही है। तो दोनों देखो, मस्त शो है। थोड़ी बहुत वाइकिंग्स वल्हाला के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाइकिंग्स के जो इवेंट है उसके 100 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है शो के अंदर। जो वाइकिंग्स के अंदर हमने रैग्नर लॉथब्रुक और उसके बेटों की कहानी देखी, उन्होंने जो जो जंग लड़ी है, जो जो हासिल करा वाइकिंग कम्युनिटी के, उनके पास क्या असर पड़ा है 100 साल बाद उनकी वाइकिंग कम्युनिटी के ऊपर। अब भाई बता दो, वाइकिंग्स वल्हाला के अंदर भी बहुत सारा खून खान देखने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट बात, ये दोनों शो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएंगे, सारे सीजंस हिंदी में अवेलेबल है। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और इस शो का नाम है स्पार्टाकस। और ये वाला शो 2010 के अंदर आया था। और मैं बता दूं, इसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा ब्रूटेलिटी देखने को मिलेगी, ज्यादा खून खान देखने को मिलेगा इस शो के अंदर। भाई स्पार्टाकस नाम का एक बंदा होता है जो कि किसी टाइम पर रोमन का स्लेव रहा होता है, रोम का बेसिकली फौजी रहा होता है, लेकिन रोम उसको धोखा दे देता है, उसकी बीवी को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करा जाता है। तो भाई बंदा अपने आप में एक फ्रीडम फाइटर बन जाता है। तो भाई इस बंदे की जो जर्नी होती है पूरी, एक स्लेव से लेकर एक रिबेल बन जाने की, इस शो के अंदर पूरी दिखाई गई है। और भाई बता दूं, इस शो के अंदर भर भर के खून खान, भाई इतना ज्यादा खून देखने को मिलेगा कि
कि आप भी अतिया जाओगे एक टाइम पे, भाई कितना ज़्यादा खून निकलेगा इंसानों में से। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी कमी है शो के अंदर कि इसके विजुअल्स थोड़े उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं दिखते हैं जितने किसी और शो के अंदर दिखते हैं, क्योंकि इसका शो का बजट थोड़ा कम था। लेकिन फिर भी भाई ये शो बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रखा है, जिसकी वजह से मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा, डेफिनेटली मस्ट वॉच है। तो अगर आप देखना कंसीडर करने वाले तो ये आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ, और ये वाला शो गेम ऑफ थ्रोन्स का भाई बिल्कुल परफेक्ट रेप्लिका कह सकते हो। इस शो का नाम हाउस ऑफ द ड्रैगन, और ये वाला शो 2022 के अंदर आया था। और ये परफेक्ट रेप्लिका क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि इसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स से ही करीब 200 साल पहले के इवेंट्स दिखाए गए हैं। और भाई ये शो की इंटेंसिटी, जो ड्रामा है, जो म्यूजिक है, भाई टॉप लेवल का है वाकई में, भाई लाजवाब। बात करते हैं शो की कहानी की, तो इसके अंदर टारगेरियन फैमिली होती है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उसके बारे में शो पूरा बनाया गया है। और दोस्तों बता दो, टारगेरियन को आम फैमिली होती है, ऐसी फैमिली होती है जो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर हमको दिखाया जाता है कि जो ताज होता है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई होती है, तो उस शो के अंदर भी ऑलमोस्ट वही दिखाया, वही थ्रोन है, उसी के पीछे लड़ाई है। तो ये ताज अब किसे मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, ये जानने के लिए आप शो देखो। बवाल शो है, डेफिनेटली दोस्तों मस्ट वॉच है। हो सकता है कभी कभी बीच में थोड़ा स्लो लगे, लेकिन अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आया तो ये वाला डेफिनेटली पसंद आएगा। खैर तो दोस्तों ये कुछ शोज थे जो मैं इस वीडियो के दौरान रिकमेंड करना चाहता था। आपने इनमें से कितने देखे मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको और शोज रिकमेंडेशन चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देखना कंसीडर कर सकते हो। अभी की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शिरोमणि साइनिंग ऑफ।